तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज हमको BMPS में कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि आज तक कभी शायद देखने को नहीं मिला होगा। जहां पर एक टीम ने निकाला एक चिकन डिनर विद 13 फिनिशेस एंड उनमें से केवल एक प्लेयर के है 12 फिनिशेस, बाकी तीन प्लेयर्स के केवल एक फिनिश। एंड गाइस, फर्दर अगर हम ये प्लेयर 7 सोर के गोट के बारे में बात करें तो एक टाइम पर इन्होंने जोनाथन को भी फिनिश किया था। तो गाइस, वो चीज पर खुद जोनाथन ने भी लाइव रिएक्ट किया। बट गाइस, उससे पहले देखते हैं जब ये मैचेस लाइव चल रहे थे तो सोलोमन ने इस पर क्या कहा। वो जीतेंगे ये भाई, क्या मारा है जॉनी। और थर्ड पार्टी हो गया, 7 किल अकेला मारा है भाई। पूरी टीम क्या कर रही है, अकेला 7 किल कैसे निकाल रहा है। जो आप बात कर रहे हैं वो चीज हमें देखने को मिली थी, और देखिए तो सही, उन्होंने मॉक उनको भी डाउन किया और 9 फिनिशेस। आप कह अबे क्या मार रहा है ये, दस करिए। अबे क्या मार रहा है ये, अबे कवर के अंदर उन्होंने क्लाउड को डाउन किया और दोनों कर दिया दूर से। और उनका किसने किया, गोट उनको फिनिशेस मिल गए। ओए अबे गोट ने उसको नॉक किया, डेल्टा को नॉक किया, दूसरे 11 फिनिशर जो मैं गोट के पास देखने को मिल जाएगी उसको 12। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया 7 सोर के गोट ने जोनाथन को भी फिनिश किया था, तो पहले आप वो क्लिप देखिए। वो जीतेंगे ये फाइट और साथ ही साथ वो अहम प्लेसमेंट पॉइंट भी, बट 7 सोर के गोट गोट 7 फिनिशर उनके पास मौजूद है। एंड गाइस, फिर ये चीज के रिलेटेड को जोनाथन ने भी रिएक्ट करते हुए ये कहा। बच्ची कसम से उसके 11 किल थे ना, मैं पूरा ऐसा आग घुमाया देखा। नहीं पता है, वो अगर नहीं आता ना मेरे को मारने में, इसको रेस देता तो मैं कर लेता कुछ ना कुछ। हम लोग बस पॉइंट और निकाल लेते, पता है, और ज्यादा पॉइंट मिलते। आदित्य अकेले ही है, पता है, इतना कॉन्फिडेंस। ठीक है बच्ची, वो अकेला ही, जब सबको अकेले में मारा। हां वो अकेले ही, वो तब से बैठा था, पता है, सबको मारा। मेरे को थोड़ा ये लगा जब वो उधर घुसा ना स्टार्टिंग में, जब मैं देखा उसका, वो सीधा फ्री फायर, वो लेटे हुए बंदे पे ना। हां मैं समझा फिर ब्रो कुछ तो है। क्या सही में हैक किया क्या, वो किया है ना। पर फिर ये मैच के बाद उन लोग बहुत ऊपर आ गए क्या पॉइंट टेबल पे, अभी तो मेरे को हर अंडरडॉग हैकर ही लगता है। अच्छा क्या लगता है भाई, सही में ये नहीं समझता तुम बता रहे जो अपन पुराने प्लेयर हैं उनमें से कभी कोई बैन नहीं मार पाते। एंड गाइस, इसके बाद हमको सेम टीम 7 सोर के तीन प्लेयर्स नेल ओपी की लाइव स्ट्रीम पर भी देखने को मिले थे, एक्सेप्ट 7 सोर गोट। एंड गाइस, वहां से हमको उनके पीओवी के रिलेटेड कुछ सस्पिशियस चीजें देखने को मिली जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। नॉट श्योर गाइस वो किस प्लेयर की कॉल्स हैं, बट लुक्स लाइक वो 7 सोर गोट की कॉल्स हैं। जब पर बेसिकली गाइस किसी भी टीम या प्लेयर्स के नाम किल फील्ड में आने से पहले वो उसको बोल दे रहे थे। एंड ये चीज तो गाइस आपको ऑलरेडी पता ही होगी, किसी भी प्लेयर को किल फील्ड में टीम या फिर उसके प्लेयर्स का नाम नहीं दिखता है, बल्कि वहां पर कुछ ये लिखकर आता है टीम नंबर एंड प्लेयर। तो गाइस एग्जैक्टली वो क्या क्लिप्स थी आप देखिए। अब चलो बर्नेक्स का देखना है, बर्नेक्स का बंदा नॉक हुआ नहीं हुआ। हीरो यार रेंडो, कोई रिस्क मत लेना, उनके कितना गोइक भी नहीं हुआ ना। हुए ना कितना, ना ना बर्नेक्स के एक ही नॉक है अभी, और किसी का नॉक उसे कैसे पता बर्नेक्स का एक ही नॉक है अभी। हर बार कितना, ना ना बर्नेक्स के एक ही नॉक है अभी, और किसी का नॉक नहीं हुआ। नॉक है और नॉक फिनिश हुआ है, नॉक किया हुआ टीममेट फिनिश था, उसने बोला एक ही नॉक है और उसी टाइम वो फिनिश भी हुआ, मतलब नॉक था बंदा। कहां से पता चल रहा है, एक और दिया किसी ने, खत्म फाइट चलें, खत्म फाइट, एक और दिया किसी ने, खत्म फाइट भाई। किल फील्ड आने से पहले कैसे पता उसे खत्म फाइट, ये कोई बोलेगा इतनी खतरनाक टाइमिंग। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, इसको ना THW टीम नेम पहले से पता था, किलफीड आने से पहले इसने बोला THW, जस्ट आया किलफीड और उससे पहले THW बोल। THW का किलफीड जस्ट पहले बोल चुका होगा ये। हाँ जस्ट पहले बोला THW को मार रहे हैं। अब गाइस, अगर ये चीज के रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और गाइस, नेक्स्ट एक और सस अपडेट निकल कर आती है BMPS की तरफ से। तो गाइस, सेकंड लास्ट डे के फर्स्ट मैच में हमको एक प्लेयर बैन होते हुए दिखे थे, एंड वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। द प्लेयर ई हैज बीन बैन्ड इन रियल टाइम फॉर वॉयलेटिंग द यूजर एग्रीमेंट। एंड गाइस, फिर जिस टीम के ये प्लेयर बैन हुए थे एरर ई स्पोर्ट्स, उनकी तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली जहां पर बेसिकली उन्होंने वही लिखा कि हमको नेटवर्क एरर की वजह से ये बैन मिला है 10 मिनट्स का। बट गाइस, इसके बाद ये न्यू प्लेयर्स को क्यों 10 मिनट्स एंड 30 मिनट्स का बैन मिलता है, वो चीज के रिलेटेड स्नैक्स ने रिएक्ट किया, आप देखिए। मैंने एक चीज नोटिस की यार, मतलब लास्ट 2-3 टूर्नामेंट्स में जितने भी लोग ये बैन हो रहे हैं, आईडी वगैरह जो भी बैन होती है लाइव टूर्नामेंट में, सब बोलते हैं कि भाई नेटवर्क इशू होता है, कोई आईडी हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चक्कर में बैन मिला, एक्स वाई ज़ेड रीजंस होते हैं। बट मैंने कभी ये रीजंस, ये सब इश्यूज है ना, इतने टाइम से अपन खेल रहे हैं, किसी भी नॉन प्लेयर के नहीं देखे मैंने।
लाइक जो भी नॉन प्लेयर है, जो भी नॉन टीम है, उनके साथ तो कभी हुआ नहीं, इतनी सारी नॉन टीम्स है, इतने सारे नॉन प्लेयर्स, उनके साथ तो कभी होता नहीं। तो मेरा यही डाउट है कि सारे नए प्लेयर्स के साथ ही क्यों ऐसा होता है, नए प्लेयर्स के साथ ही होता है, उनकी आईडीज बैन होती है, उनकी आईडीज हैक होती है, उनकी आईडीज का नेटवर्क इशू होता है, जिस वजह से आईडी बैन हो जाती है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तुम लोगों ने भी नोटिस किया नहीं होगा, बट अभी तक कोई नॉन प्लेयर ऐसा कोई बैन नहीं हुआ भाई। अब बस होप ही कर सकते कि मैनेजमेंट साइड, क्राफ्ट साइड को जिसको रिलेटेड कुछ हुए भाई, कुछ काम वाम हो इसके रिलेटेड, ताकि नेक्स्ट टूर्नामेंट थोड़ा सही रहे, वरना ऐसा तो भाई चलते क्या ना हर टूर्नामेंट में, तो मेरे को तो जीजी लग रहा भाई, क्लियर कट। तो यार गाइस, वैसे आप ये सब के रिलेटेड क्या सोचते हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, ये न्यू प्लेयर्स बैन हो रहे हैं तो ये चीज के रिलेटेड हमारी कम्युनिटी में काफी सारे मेंबर्स ने इस पर रिएक्ट किया। क्लच गॉडनेस में क्राफ्ट एंड इंडिया ईस्पोर्ट को टैग करते हुए लिखा, वन मोर इन्वाइटेड हैकर, न्यू टैलेंट्स की खोज में हमको चीटर्स दिए जा रहे हैं। एंड फिर जो भी प्लेयर गाइस चीटिंग का यूज कर रहे हैं उसको डायरेक्टली क्लच गॉड ने ये लिखा, तुम लोग एक तरीके का कैंसर हो और यहाँ पर डिजर्व नहीं करते हो, तुम लोग कायर और डरपोक हो। एंड गाइस, फिर इसके बाद सोमराज ने भी पीएमसी और 2020 के इंसिडेंट को शेयर किया, जहाँ पर टूर्नामेंट के इनिशियल फेज में हमको कुछ हैकिंग रिलेटेड क्लिप्स देखने को मिली थी। एंड उसके बाद सब लोग ने वो चीज के रिलेटेड स्टैंड लिया एंड 10 टीम्स को बैन कर दिया गया था। एंड केवल 22 टीम्स ने सेमीफाइनल्स को कंटिन्यू किया था। एंड फिर एंड में सोमराज ने इस पर ये लिखा, वापस से वो टाइम आ गया करने का। एंड गाइस, फिर दिलजीत एसके ने भी इस पर ये लिखा, ये 10 मिनट्स एंड 30 मिनट्स का बैन मुझे क्यों नहीं पड़ा आज तक। एंड देन रुशिंद्र सिन्हा की स्टोरी भी आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो, उन्होंने भी गाइस बेसिकली क्राफ्ट एंड इंडिया को टैग करते हुए इशू को एड्रेस किया। एनीवेज गाइस, अब बात कर लेते हैं लास्ट डे से पहले बीएमपीएस 2023 की ओवरऑल स्टैंडिंग, एंड वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। रेड ग्रुप में से ऑलमोस्ट टीम सोल, टीम एक्सपार्क एंड नेवन एंड ने तो क्वालिफाई कर लिया है फॉर ग्रैंड फाइनल। सेकंड चार्ट को भी गाइस आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर टीम गोल्ड लाइक की तरफ से कल हमको कमबैक देखने को मिला था, अभी करंटली वो है हैशटैग 28th पोजीशन पर विद 160 पॉइंट्स। वैसे गाइस, अभी भी टीम्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लेट्स सी आज क्या होने वाला है। एंड गाइस, टीम गोल्ड लाइक ने कल जब चिकन डिनर निकाला था उसके बाद जेली का रिएक्शन देखिए, पहले शॉट पे दूसरे प्लेयर को खत्म करने की कोशिश था, टीम गॉड लाइक वो लेके जाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट। एंड फिर इस पर खुद रिएक्ट करते हुए जली ने ये लिखा, अपना ऐसा ही रिएक्शन रहता है। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है SA2L एंड लोगों की पार्टनरशिप के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से। तो गाइस, गोल्डी भाई ने इस पर रिएक्ट किया, आप देखिए, लोको हैज हेल्प्ड द एंटायर इकोसिस्टम इवॉल्व लाइक अ बेटर प्लेस, लोगो के कारण बहुत लोग इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी काफी ग्रो कर पाए और बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बहुत सारी चीजें हो पाई। तो नाउ इट्स टाइम कि इफ दे आर हैविंग अ फेस वेयर दे नीड, इट्स ऑल बाय हार्ट जो हम करने जा रहे हैं। गाइस, मिलेगा की बात नहीं है, इस बार लोगो सब लोग अपने मन से कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक इट यूज्ड टू बी, इट्स लाइक लोको इज बीइंग डन बाय हार्ट। और गाइस, नेक्स्ट एक और अपडेट है बीएमपीएस के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है AKOP की तरफ से। तो आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज पर उन्होंने ये कहा, थोड़ा सा दर्द ले लेते हैं, कल बहुत बड़ा दिन है भाई, लोग सोच भी करते कल कितना बड़ा दिन है हमारे लिए, और पर्सनली मेरे लिए कल बहुत कुछ डिसाइड होने वाला, बहुत कुछ, मतलब हमारा 2024 डिसाइड होने वाला है कल, सच में, आई एम नॉट जोकिंग, 2024 डिसाइड होने वाला है कल इन द सेंस आज। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है फ्री फायर के रिलेटेड, तो गाइस इनसेन एरेना ने फ्री फायर के रिलेटेड ये कहा, गाइस फ्री फायर इंडिया वापस से प्ले स्टोर पे आ चुका है, इट डज सीम लाइक अ गुड न्यूज टू मी, लेट्स सी, प्ले स्टोर पे तो आ गया है अभी, रजिस्टर का ऑप्शन, जिस जिसने रजिस्टर किया था, कमिंग सून का ऑप्शन आ रहा है, इट डज सीम लाइक अ गुड न्यूज, वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट, ईगरली वेटिंग फॉर इट, जल्दी जल्दी आ जाए तो वापस से फ्री फायर की कम्युनिटी स्टार्ट हो जाए, सो गुड लक, जिसको पता है बता दो कब आने वाला है। तो बस गाइस, फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।